हम विश्वास के स्थान पे जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन के साथ जी रहे हैं, तो वो चीजें हमारे लिए संभव में बदलेंगी। आमीन। दशाएं एक सी नहीं रहेंगी। बगल वाले से कहिए, दशाएं एक सी नहीं रहेंगी, बदलेंगी, उसमें बदलाव आएगा। जितना हमारा विश्वास है उतना हमारे अंदर मसीह दिखाई देगा, पर संदेह को जगह नहीं दें। वो हर काम कर सकता है जो मनुष्य सोच सकता है। सोच लेना, आप जो सोचते हो उसे वो कर सकता है। आप उसको अपनी सोच में छोटा मत बनाओ। मसीह को अपनी सोच में उसे छोटा मत बनाओ, परंतु उसे विस्तार दो। क्या देना है उसे जगह दो। अगर आप यीशु को छोटा समझ रहे हैं, वो आपके लिए छोटा रहेगा। पर यदि आप चाहते कि मसीह मेरे लिए बहुत बड़ा काम करे जितना मैं सोच रहा हूं, तो वो आपकी सोच से भी बड़ा है। आप जितना सोचते हो आपकी सोच सीमित है, आप उतना नहीं सोच सकते जितना परमेश्वर सोचता है। हमारा मनुष्य का बुद्धि है, मनुष्य का दिमाग है, पर वो असीमित है। हाथ उठा के बोलो, वो असीमित है, उसकी कोई सीमा वो असीमित है। उसे हम छोटा ना करें। एक रोगी है जो बीमार है, समस्याओं में है, पीड़ाओं में है, उसे चंगाई प्राप्त करने के लिए, उसके उसके जीवन को बदलने के लिए, स्थिरता उसके अंदर लाने के लिए, उसे विश्वास की जरूरत है। किस चीज की हो सकता है उसे? और उसे एक विश्वास की जरूरत है, और उस विश्वास के अंदर संदेह को नहीं, पर उस विश्वास के अंदर वचन की जरूरत है। यीशु ने कहा उसे मेरे पास लाओ, क्योंकि वह उससे दूर था, वो उससे बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब वो यीशु के पास आता है तो प्रभु ने उसे देखा, ये लिखा है। और जब यीशु ने उसे देखा तब लिखा है कि दुष्ट आत्मा उसमें हरकत में आई और फिर उसके अंदर से निकल गई। गूंगी और बहरी आत्माएं भी होती हैं। पवित्र शास्त्र पढ़ने के बाद समझ में आता है बहुत तरह की दुष्ट आत्माएं होती हैं जो आपके जिंदगी को बहाल नहीं होने देती है। वो आपको तोड़ती हैं, आपको नीचे ले जाती हैं, आपको संकटों में डालती हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि हमारा ये युद्ध आत्मिक है। पड़ोसी को बोलो, हमारा युद्ध आत्मिक है। हैं? यीशु के पास जब वो आए तो प्रभु ने उस व्यक्ति को क्या किया? पड़ोसी को बोलो, उसे देखा। वहां अगर बाइबल पढ़ने वाले देखो, वहां कामा लगा हुआ है कि नहीं देखो। तब वो उसके पास ले आए और उसने उसे देखा। मतलब यीशु ने उस बीमार व्यक्ति को क्या किया? तो वो आपको देखता है कि नहीं देखता? अगर आप यीशु के पास आ गए हो, वो आपको क्या करेगा? जब आपको देखेगा तो आप सो रहे हो, तो आपको छोड़ के चला जाएगा? बताओ जरा। अगर आप नींद में हो तो वो आपको आपके पास जा सकता है, आपसे कुछ बात कर पाएगा? वो बोलेगा ये तो सो रहे, वो आपसे कुछ नहीं बोल सकता। इसीलिए हमें जागरूक होना पड़ता है। देखो, इंसान है, नींद आती है, हर एक को आ सकता है, पर हाँ, इंसान के कंट्रोल में भी वो चीज है। अगर नींद आती है तो मैं नहीं सोऊंगा, मैं आंख नहीं बंद करूंगा, मैं अपने आपको तेज करूंगा। क्या करूंगा भाई? हाँ, नींद के हाथों में अपने आप को मत दो, यीशु मसीह के हाथों में दे दो। आमीन बोलो भाई सब जन। पड़ोसियों को एक बार बोलो, यीशु ने देखा। तब वो दुष्ट आत्मा क्या करने लगा उसके अंदर? हाँ? तेजी के साथ उसे क्या करने लगा? यही होता है। जिस समय यीशु देख रहा था, उससे बड़ा काम आज प्रभु करता है हमारे बीच में। अब बातों को समझ रहे कि नहीं? ये नॉर्मल है, पर हमें एक बात को समझना होगा।
संदेह को अपने अंदर जगह नहीं दें। पड़ोसी को बोलो, संदेह को जगह नहीं दो पर वचन को जगह दो। संदेह को स्थान मत दो, वचन को जगह दो। वो किसके पास बीमार आदमी आया, किसके सामने आया? तो यीशु ने उसे क्या किया? जब यीशु ने उसे देखा तो वो बीमार क्या हो गया? उसके अंदर कौन सी आत्मा थी? गूंगी और बहरी आत्मा। तो हमें किसके सामने आना चाहिए बोल के बताओ? हमारा लाभ कब होगा बताओ भाई, है? एक बार हाथ उठाओ सब जन, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हमारा लाभ कब होगा? जब यीशु के सामने होंगे कि जब यीशु से बाहर होंगे? यीशु के सामने होंगे, हमारा क्या होगा भाई? यीशु के सामने उस व्यक्ति को लाया गया जिसके अंदर कौन सी आत्मा थी? गूंगी बहरी आत्मा थी। उसको वो उसको घायल कर रहा था, हैं, उसे मार रहा था कि नहीं मार रहा था? लेकिन जब वो यीशु के सामने आता है, उसे लेके आया जाता है, उसके पिता ने क्या किया? प्रार्थना किया। किससे प्रार्थना किया? प्रभु से। और कहा, प्रभु मेरे बेटे को दुष्टात्मा सता रहा है, यदि हो सकता है तो उसे। प्रभु ने कहा, हो सकता नहीं, होगा, विश्वास कर, होगा। आमीन बोलो आप। आप कभी भी परमेश्वर को संदेह के जगह पे मत रखो। अगर आप संदेह के स्थान पे रखते हैं, वहां परमेश्वर की सामर्थ नहीं। घर बनेगा नहीं बनेगा, लगता है नहीं बनेगा, चंगा होगा लगता है नहीं चंगा होगा, या कुछ भी परिस्थितियों में आप अपने आप को संदेह में मत लाओ, पर विश्वास में लाओ। अपने आप को संदेह के स्थान पे मत रखो, अपने आप को विश्वास के स्थान पे रखो। आमीन बोलो। जब विश्वास के स्थान पे अपने आप को रखोगे तो आपके काम में परमेश्वर का बल दिखाई देगा, आपके सोच और विचारों में, आपके प्लानिंग में परमेश्वर का बल दिखाई देगा, आपके हर कामों में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहां पर परमेश्वर की प्लानिंग दिखाई देगी। इसलिए अपने आप को संदेह को लेकर मत चलो। मेरे लिए प्रभु सब कुछ कर सकता है, आमीन कहिए आप। वो सब कुछ कर सकता है, आमीन बोलो। कोई काम, कोई भी काम असंभव नहीं है। मसीह में सारे काम संभव है, आमीन। मरकुस 10 अध्याय और उसके 27 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां पर एक वचन लिखा है, ध्यान से हमारे साथ पढ़िए। मरकुस 10 के 27 में लिखा है, तब यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। हाथ उठा के बोलो, प्रभु से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ, उससे सब कुछ हो जाएगा। आमीन। तो क्या हम उसे हम संदेह से पाएंगे? कैसे पाएंगे प्रभु को अपने अंदर? कैसे पाएंगे? विश्वास से। आमीन। विश्वास के अंदर क्या क्या चीजें रखनी है, हैं? अगर हम विश्वास में चलते हैं तो हमारे पास शैतान बहुत सारी गलत चीजों को हमारे विश्वास के अंदर क्या करना चाहता है? डालना चाहता है ना, ताकि हमारा विश्वास टूट जाए, हमारा विश्वास कमजोर हो जाए, हमारे विश्वास के अंदर कोई रिजल्ट ना रहे, कोई परिणाम ना रहे, कोई आशीष ना रहे हमारे विश्वास में। ये शैतान की इच्छा है, और इसीलिए वो आपके विश्वास को चोरी करता है। क्या करता है? वो चोरी करना चाहता है। वो आपके विश्वास को चोरी करेगा, आपको गिरा देगा। जब तक आपके अंदर परमेश्वर के वचन की स्थिरता होगी, वही है विश्वास का परिणाम। आप किस वचन के आधार पर चलते हो, आप कितना वचन को अपनी जिंदगी में फॉलो करते हो, वही है आपके विश्वास का अस्तर। आप कहते हो कि बस मैं इतना ही फॉलो करता हूं, मैं इतना ही पूरा करता हूं, वही आपका विश्वास। आप वचन को अधूरा छोड़ते हो, आपका विश्वास अधूरा है। आप वचन को वहां फेल करते हो, वहां पर आप फेल होते हो। तो आप अपने आप को किस स्तर पर रखोगे? वचन विश्वास को पैदा करता है। पड़ोसी को बोलिए, वचन विश्वास को पैदा करता है। वचन विश्वास को पैदा करता है। हमें क्या सुनने की जरूरत है? विश्वास कैसे आएगा? कैसे आएगा?
रोमियो 10 अध्याय 17 आयत को पढ़िए हमारे साथ, रोमियो 10 के 17 को पढ़िए और वहां क्या लिखा है। विश्वास सुनने से, बोलिए विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या लिखा है? पड़ोसी को बोलो, विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने से आता है? नहीं तो घर जाने के बाद भोजपुरी गाना लगा दिए, है ना? भोजपुरी गाना लगा दिए, सुन रहे हैं। अजीब बोला है ना, सुनने से विश्वास आता है। तो सुन क्या रहे हो? क्या सुन रहे हो? पड़ोसी की बुराई सुन रहे हो? क्या सुनने से आता है? सुनना क्या चीज है? मसीह से अलग नहीं, दिखाइए उसको फिर से क्या लिखा है वहां पर। सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप मसीह के वातावरण से अलग कुछ नहीं। जो विश्वास आपके पास आ रहा है वो सुपर नेचुरल है। क्या है वो? बोलो विश्वास। विश्वास कैसे आता है? बोलो वचन से। वचन से आता है। वचन को सुनने से। वचन को सुनने से विश्वास कैसे आता है? तो अब पड़ोसी को बोलो, घर पे जाके क्या सुनते हो? हमसे नहीं, हाथ मिला के बोलो, घर पे जाके क्या सुनते हो? पूछना पड़ोसी से ना, घर पे जाके क्या सुनते हो? क्या सुनते हो? जवाब क्या है? क्या सुनते हो? वचन। वचन। वचन सुनते हो ना, क्योंकि वचन से क्या आएगा हमारे अंदर? और वो विश्वास क्या करेगा? हमारे टूटे हुए घर को, हमारे बीमार शरीर को। इसलिए ये विश्वास हमें जरूरत है, हमें इसलिए इस वचन की हमें जरूरत है। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? अगर कोई आदमी चर्च में आता है, ठीक है, वो प्रार्थना किया, चंगाई हुआ, छुटकारा हुआ, घर चला गया, और घर जाने के बाद वो किसी दूसरे चीज को सुनना शुरू किया, तो जो आप सुन रहे हो अगर वो वचन नहीं है तो वो अपना स्थान बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बताओ, अगर आपने वचन नहीं सुना, अगर आपने दूसरा कुछ सुना, तो जो आप सुनेंगे वो आपके अंदर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मान लो किसी की बुराई सुनना है हमें, तो क्या होगा? क्या बढ़ेगा बढ़िया? शैतान बढ़ेगा। अगर बुराई सुनते हैं तो बुराई बढ़ेगा अंदर? बताओ, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जो सुनोगे वही अंदर बढ़ेगा। अगर बुराई सुन रहे हो किसी की, तो बुराई अंदर बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा? वो हमारा क्या करेगा? नुकसान करेगा। जब हम आत्मिक जिंदगी जीते हैं तो जरूरत है कि हमारे पास वचन रहे। क्या रहे? जैसे किसी के पास यदि घर नहीं है तो दिखाइए भजन 127 आयत 1। तो हमें अक्सर ये वचन बोल करके प्रार्थना करनी चाहिए। दिखाइए भैया भजन 127 आयत 1 को दिखाइए। वहां क्या लिखा है? वहां एक अद्भुत बात लिखी है, यदि घर को यहोवा ना बनाए, बोलिए यदि घर को परमेश्वर ना बनाए, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा ना। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, तो उसके रखवाले का जागना। आप अपने सोने चांदी की खूब सुरक्षा करो, रात दिन जाग करके सुरक्षा करो। अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो क्या हो सकता है? वो चोरी हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप घर बनाना चाहते हो, परमेश्वर नहीं चाहता, पर वचन अगर आप पढ़ रहे हो, हाँ प्रभु आपने लिखा है जब तक यहोवा घर को ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, मतलब हमारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। यदि प्रभु का वहां पर उपस्थिति नहीं, मौजूदगी नहीं है, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारे फेवर में कोई चीजें नहीं तैयार होगा,
हम धन चाहते हैं वो हमारे फेवर में नहीं आ रहा, हम एक अच्छा काम चाहते हैं वो हमारे फेवर में नहीं आ रहा, हम कुछ भी अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो हमारे फेवर में नहीं आ रहा। लेकिन जब प्रभु हमारे फेवर में आता है तो हमने उसके वचन को ग्रहण किया, जब वचन हमारे अंदर विश्वास के स्थान पर आ गया, हमने विश्वास कर लिया इस वचन पर कि जब तक यहोवा घर को ना बनाए तब तक उसके बनाने वाले का परिश्रम क्या होता है, हमने इस वचन पर विश्वास किया। तो वचन क्या है बोल के बताइए, प्रभु है, हाथ उठा के बोलो वचन परमेश्वर है। वचन क्या है? वचन तो प्रभु है ना। हमने विश्वास किस पर किया? क्या चीज सुन रहे हम? सुनो सुनो, हम क्या चीज सुन रहे हैं, किस पर विश्वास कर रहे हैं? वचन क्या है? पड़ोसी को बोलो वचन प्रभु है। अभी हमने हमारा घर नहीं बना तो हमने क्या किया, इस वचन पे क्या किया, हमने इस वचन को अपने डायरी पे लिख लिया, अपने इस वचन को हमने अपने द्वार के ऊपर लगा दिया लिख करके, चाहे घर अभी आपका टूटा ही क्यों ना हो लगा दो। क्या लिखना है उसमें? यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे घर को बना सकता है, आमीन। तो हम इस वचन पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही हमारे घर को क्या करेगा। तो तैयारी कैसे करना है, परमेश्वर के मार्ग से कि संसार के मार्ग से? तो जब नींव खनेंगे तो प्रार्थना करके नींव रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और ये इस वचन पर विश्वास करके नींव रखेंगे, प्रभु मैं नहीं बना रहा, आप मेरे घर को बना रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ है ऐसा। तो जब आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आप किस पर विश्वास करते हैं? तो यीशु आपके घर को बनाता है। यही है, यही प्रभाव होता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि इसलिए हमें ध्यान से सुनना होता है, जब उसके मंदिर में हम उपस्थित होते हैं तो हमें ध्यान से उसके बातों को सुनना होता है, क्योंकि जो उसकी बातें हैं वह उसका वचन है, वह उसका स्वरूप है, आमीन। परमेश्वर का वचन ही यीशु मसीह है। और जब उस वचन को अपने अंदर स्वीकार करोगे तो हमारे लिए एक तैयार होगा, ढांचा तैयार होता है हमारे लिए, एक रास्ता तैयार होता है जहां पर हमारे लिए प्रभु आशीष देते हैं, आमीन। बातों को समझ रहे कि नहीं? तो क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हो? ये वचन क्या है? सामर्थी है, बोलो सामर्थी है, जो हमारे जीवन को अलौकिक करता है, सामर्थी बनाता है, आमीन। हालेलुया। तो क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? हम अपने आप को उसकी मर्जी में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं? हाथ उठा के बोलो परमेश्वर का वचन यीशु है और मैं उस पर विश्वास करता हूं, आमीन। जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, उसके वचन पर विश्वास करते हो, वही आपके लिए बड़ा काम करेगा। हालेलुया, आमीन। पड़ोसों को बोलो अब मेरा घर बनेगा, बोलना बोलना, कुछ भी नहीं बन रहा है बोल के देखो, बनेगा, क्योंकि आप किसके सामने हो? वो बीमार आदमी किसके सामने था? तो उस बीमार आदमी क्या किया? वो चंगा हो गया, उसकी दशाएं ठीक हो गई। तो आप किसके सामने हो? तो आपकी दशाएं क्या होंगी? सही होना है, पूरा करेगा वो आपकी इच्छाओं को, आमीन। पर अपने विश्वास के अंदर संदेह नहीं लाना। क्या नहीं लाना? हाँ, संदेह नहीं लाना अपने अंदर। अगर संदेह को जगह दोगे, प्रभु आप मेरे लिए ये कर पाएंगे, लगता है नहीं हो पाएगा प्रभु, बहुत बड़ा काम है, आपसे नहीं हो सकता, तो प्रभु कहेगा तू पागल है, मैंने तो स्वर्ग पृथ्वी बना दी, मैंने तो मनुष्य को बना दिया, मेरे लिए क्या कुछ कठिन है क्या? वो सब कुछ कर सकता है, हाथ उठा के बोलो वो सब कुछ कर सकता है। हमारा यदि विश्वास है तो वो आपके लिए सब कुछ करेगा, आमीन। क्योंकि हमने जो विश्वास किया है वो वचन से किया है। कैसे विश्वास किया हमने? कैसे विश्वास किया? हमने बाहरी तौर से विश्वास नहीं किया, हमने वचन सुनकर विश्वास किया है। तो जो वचन है वो यीशु मसीह है, आमीन।
तो वचन पर यदि आप विश्वास करते हो तो याद रखो, यदि वचन के सामने आप जाते हो, उसे अपनी जिंदगी में लाते हो, तो वो आपके लिए कामों को पूरा करेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।